गत्ते या पेपर से बनी एक पेपर डॉल बनाना बहुत आसान है। हमारी नई वीडियो से बहुत सारे नए आइडिया सीखे एक डॉल को बनाने के, वो भी उन चीजों से जो आपके पास है। मुझे एक नई डॉल की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपने आप बनाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं कैसे बनती है। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रुक जाओ, मेरे पास एक प्लान है। सच बताओ, तुम्हारे पास पुरानी बची हुई नोटबुक्स तो होंगी। डॉल के पीछे ग्लू लगाए। अब आपको डॉल को सावधानी से कार्डबोर्ड पर लगाना है। कोनों को दबाएं। पपी के साथ भी ऐसा ही करें। अब बस इसको काट ले और हो गया एक नया दोस्त और पपी तैयार है। और अब हम एक बैग बनाएंगे पपी के लिए, वो भी एक पुरानी मैगजीन से। एक फिट करते हुए साइज का स्टाइलिश बैग काट ले। बैग का बैक साइड पार्चमेंट पेपर से बना ले, उसे शीट पर रखे। बैग को ट्रेस कर ले आउटलाइन के साथ, फिर पीस को काट ले। दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ ले नीचे और कोनों के पेरीमीटर के साथ। एक तरफ को छोड़ दे ताकि एक पॉकेट मिल जाए। बैग में पपी को डाल दे। ये अब मैं जहाँ भी जाऊंगी पपी को अपने साथ ले जाऊंगी। हमारी बेबी डॉल को तैयार करने का समय। ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करें और पेंसिल से डॉल को ट्रेस करें। एक छोटी ड्रेस ड्रॉ कर लें। ड्रेस की ड्राइंग को काट लें। अब इस ड्रेस को मोटे सफेद कागज पर रख दें। तीन रेक्टेंगल होल्डर लगाना ना भूलें ताकि ड्रेस अच्छे से कमर पर फिट करे। इसे पहना दे और देखे कि ये सही बनी है या नहीं। क्रैप पेपर डेकोरेशन के लिए सही रहेगा। हमारे पास चार कलर है, लाइट पिंक से लाल। सारे शीट को स्ट्राइप्स में काट ले ताकि ये आधा इंच मोटा रहे। स्ट्राइप पर कट लगाए ताकि फ्रिंज बने। ध्यान से स्ट्राइप को अटैच कर दे और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दे। हो गया, ग्लू भी सूख गई है और इसे अब हम सुंदर और फ्लफी बना सकते हैं। ये अब वक्त है फाइनल ट्राई का। सारे होल्डर को बेंड कर दे। ये तो बहुत प्यारा और फ्लफी बन के निकला है। क्या तुम्हें ये पसंद है लड़की? मुझे ये बहुत पसंद है। ये कितना बढ़िया है। हमारी फैशनिस्टा को एक हेड बैंड चाहिए। बैग का डिजाइन और साइज पुरानी मैगजीन से काट ले। अब समय है ट्राई करने का। उसे हाथ पर डालें और वाह, इस स्टाइलिश एक्सेसरी को अपना मालिक मिल गया। एक नई ड्रेस के लिए आउटफिट को आउटलाइन करें। आउटलाइन के साथ उसे काट ले। पैटर्न कार्डबोर्ड ले, उल्टे स्केच को उसके ऊपर रख दे और ट्रेस कर ले। शोल्डर और कमर पर वो जोड़ लगा दे। इस तरह से ड्रेस टाइटली डॉल को आ जाएगी। ड्रेस को काट ले और पलट ले ताकि आप फ्रंट देख पाए। अब उसी कलर का ट्यूल फैब्रिक ले ले। फैब्रिक को एक तरफ इकट्ठा कर ले। कमर पर ग्लू लगाए। इकट्ठे हुए फैब्रिक को पकड़े और ट्यूल को चिपका दे। फैब्रिक सही से चिपक जाए इसलिए उसे जोर से प्रेस करें। ड्रेस को छोटा बनाए ताकि लेंथ सही तरीके से फिट हो जाए और एक्स्ट्रा कपड़ा ना बचे। डॉल पर ड्रेस को डाल दे और जोड़ को मोड़ दे। हो गया, ये ड्रेस तो बनकर काफी प्यारी लग रही है और डिटेल्स आउटफिट को पूरा कर देगी। अब मैं एक असली राजकुमारी की तरह फील कर रही हूँ। चलो मैगजीन से एक जंप सूट भी इसके वार्डरोब में डाल देते हैं। ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करके पेंसिल से इसे स्केच कर ले डॉल के आउटलाइन के साथ। इसे काट कर डॉल पर ट्राई करें। क्या ये फिट कर रहा है? परफेक्ट। इस टेम्पलेट को एक मोटे सफेद पेपर पर रख कर ट्रेस कर ले। हुक ऐड करना ना भूलें। मैगजीन का इस पेज का कलर कितना अच्छा है। टेम्पलेट को पेपर के बैक साइड पर लगाएं। स्लीव को थोड़ा अलग बनाते हैं। हम इसे अलग से डार्क शेड में काटेंगे। जंपसूट को सफेद बेस पर रख दें। दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग कॉलर की स्लीव को उसके ऊपर लगा दें।
हुक को मोड़ें और जंपसूट को डॉल पर ट्राई करें। ये आउटफिट कितना स्टाइलिश और यूनिक है। शुक्रिया। तो अब अगला क्या है? चलो एक एनवेलप बनाते हैं। इसे स्टोर करने के लिए 9.5 इंच का स्क्वायर काट लें। एक पैटर्न पेपर से इस पीस के बाउंड्री के साथ मार्क्स लगाएं। शीट को सीधा रखें, डॉट्स ड्राइंग कर दें। चार कोने काट लें। सावधानी से पेपर को काट लें लाइन के साथ। ध्यान रखें कि कटा हुआ कोना फोल्ड को कंटिन्यू कर रहा है। अब आपको बस एनवेलप को जोड़ना है। एक्स्ट्रा कॉर्नर को काट लें। एनवेलप में कट बनाएं ताकि आप फ्लैप को बंद कर सकें। डॉल खुश नहीं होगी अगर उसके कुछ कपड़े गुम गए। ऊपर का कोना एनवेलप के कट में डाल दें उसे बंद करने के लिए। हो गया। और कैसा रहेगा एक पेपर डॉल बनाना उसके ट्विन के डिब्बे से। ध्यान से डॉल को डिब्बे में से काट लें। बैकग्राउंड के टुकड़ों को गले के पीछे से काट लें। इस तरह से आप फुल ड्रेस और टॉप इसके गले से कट में हुक कर पाएंगे। पर हम इन लेटर्स का क्या करें जो इसके बाल ऊपर है। मेरे पास एक आइडिया है। एक मैचिंग हेयर कलर ढूंढ लें एक पुरानी मैगजीन से और एक टुकड़ा काट कर उन लेटर्स को ढक लें जो आपको नहीं चाहिए। जिस टुकड़े को आप छुपाना चाहते हैं उसे ट्रेसिंग पेपर पर बना लें। टेम्पलेट के साथ डॉल के नए बाल काट लें। कैसी लग रही हूँ मैं? लाजवाब। मैं आज बहुत लकी हूँ। आप पेपर मफिन मोल्ड से एक सुंदर स्कर्ट बना सकते हैं। एक फिट होते हुए साइज के टुकड़ों को काट लें। प्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करके पेपर पर एक टेम्पलेट बना लें। हुक को आउटलाइन करके काट लें। दोनों टुकड़ों को बेस से जोड़ दें ताकि वो एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा आए। डॉल के कमर के पास कट्स काट लें ताकि हुक को अटकाने की जगह बन पाए। आउटफिट को ट्राई करें। मैंने सुना है कि सफेद पोल्का डॉट आजकल सीजन में सबसे हॉट ट्रेंड चल रहा है। बुरा मौसम, कोई बड़ी बात नहीं, हम एक रेनकोट बना लेंगे। ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करके एक हुड और उसके नीचे का कोट आउटलाइन कर लें। एक पतला प्लास्टिक कवर ले लें। एक टेम्पलेट से रेनकोट की बैक और फ्रंट साइड काट लें। एक छोटा सा कट डालें और हो गया। अब तो एक पेपर डॉल भीगेगी भी नहीं। ओप्स, मुझे नहीं पता था कि ये रेनकोट इतनी जल्दी इस्तेमाल में आएगा। पर ठीक है, मुझे कोई बिजली नहीं डरा सकती। अगला आउटफिट कैसा दिखेगा? कुलॉट्स को आउटलाइन कर लें और साथ में एक टी शर्ट भी ट्रेसिंग पेपर पर। ये बढ़िया लग रहा है। एक मोटे पेपर पर टेम्पलेट को ट्रेस कर लें और हुक अटैच कर लें। उस टुकड़े को काट लें। पर हमें अभी भी डिजाइन पर काम करना पड़ेगा। स्ट्रैप ड्रॉ कर लें। काले पेन से पेंट पर पतली पतली सीधी लाइन बनाएं और दूसरे स्ट्रैप को काला रंग दें। टी शर्ट और स्ट्रैप को एक मार्कर से कलर करें। इससे पहले किसी ने मुझे इतने सुंदर कपड़ों में नहीं देखा। चलो इस डॉल के लिए भी एक एनवेलप डीआईवाई बनाएं। इससे मोटे डेकोरेटिव ट्रेसिंग पेपर से इसे उसी तरह से स्केच कर लें जैसे पिछले वाले को किया था। चार कॉर्नर्स काट लें। स्कोरिंग लाइन के साथ पेपर को फोल्ड कर लें। एनवेलप के नीचे के हिस्से की नुकीली टिप काट लें। हो गया। अब आपको बस एनवेलप पर ग्लू लगानी है। सारे कोनों को अच्छे से प्रेस करें। बन गया एनवेलप। मेरे पास एक आइडिया है। ये अच्छा हुआ कि मैंने पहले से एक कुकी का बैग तैयार रखा था। इसे ले जाओ और जब अपने ट्विन से मिलो तो उसे ये देना मत भूलना। डॉल और उसके सारे कपड़ों को एनवेलप में डाल दे। इसके आसपास गोल्ड पेपर रिबन लपेट दे ताकि एक गिफ्ट लगे। एक असली सरप्राइज किसी का इंतजार कर रहा है। फिर से शोर होने लगा। पक्का एक और डिलीवरी होगी। मैं आ रही हूँ। क्या बढ़िया रिबन है। मुझे तुम्हें अभी खोलना होगा। मैं इंतजार नहीं कर पा रही ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। मैं एक बैग देख पा रही हूँ। ओह, ये मेरी ट्विन कैसे है।
तो इसका मतलब कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो, पर तुम बस पेपर से नहीं बनी। क्या आपको हमारे पेपर डॉल के आइडियाज पसंद आए? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आप लाली लू चैनल पर कोई भी नई डॉल वीडियो मिस ना करें।